प्रश्नकर्ता का भाव ये है कि संसार में रहते हुए हम कर्म को किस प्रकार से करें कि संसार के बंधन में न फंसे, ये इनके पत्र का भाव है। तो देखिए, कर्म करना तो सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि कर्म करने के लिए शरीर मिला है। ये शरीर एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कर्म करने के लिए मिला है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो कर्म न करता हो। हाँ, ये जरूर है कि कर्मों के प्रकार अलग अलग होते हैं। कोई अच्छा कर्म करता है, कोई बहुत ही अच्छा करता है, कोई सामान्य कर्म करता है, कोई निकृष्ट करता है, कोई अति निकृष्ट कर्म करता है। उसमें कई कारण होते हैं। कुछ तो उसके पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, तपस्या, पुण्य, पिछले जन्म की भक्ति, ये सब होगा तो अच्छा ही कर्म करेगा, खराब कर्म नहीं करेगा। और ये जो उसको सत्संग मिल जाए, महान पुरुषों की संगति मिल जाए, तो अच्छा कर्म करने वाला वह संस्कारी जीव बहुत अच्छा कर्म करने लग जाता है। सामान्य लोग अच्छा कर्म भी नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ का ही कर्म करते हैं, और कुसंग में पड़ा हुआ आदमी निकृष्ट कर्म करता है। और ये जो कोई बहुत ही बुरे संस्कार वाला जीव है, जो पिछले जन्म से ही बहुत पाप किया है, तो वो सबको सताने का ही कर्म करता है। और ये कुसंग और मिल गया है तो महानिकृष्ट अधम कर्म करता है, और फलस्वरूप वो अनंत जन्मों के लिए नरकों में और नारकी योनियों में भेज दिया जाता है। हम सभी लोग साधक हैं, अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, लेकिन साधक हम सभी हैं। हम में से कितने ऐसे हैं जो बहुत अच्छे साधक भी हो सकते हैं, कोई सामान्य साधक होगा। भगवान की कृपा का अनुभव करके कर्म करना, अपने को भगवान का मानकर, जैसा कि अभी जो ये प्रश्न जिज्ञासा पत्र अभी आप लोगों ने देखा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि अपने को भगवान का सेवक मानकर, ये बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने। अपने को भगवान का सेवक, जो भाव आपका है उसके साथ साथ सेवक का भाव, जैसे भगवान को बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं, मित्र मानते हैं, प्रियतम मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, उसमें अपने को सेवक मानना पड़ेगा। और केवल भगवान का सेवक, उसमें दूसरे का प्रवेश नहीं होगा। अपने को केवल भगवान का सेवक मान करके, भगवान की इच्छा मानकर, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने चाहिए। अब इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि हमको कोई गलत कर्म नहीं करना है। ऐसा नहीं कि गलत कर्म करें और उसमें भगवान की इच्छा बताएं और भगवान की प्रसन्नता बताएं, नहीं। उसमें हमको विचार करना पड़ेगा, शांति से बैठ करके एकांत में विचार करना पड़ेगा कि ये जो कर्म हम करने जा रहे हैं, ये हमारे प्रभु को पसंद आएगा कि नहीं। ये कर्म जो हम करने जा रहे हैं, इससे हमारे ठाकुर जी नाराज तो नहीं होंगे। बहुत शांति से एकांत में बैठ करके विचार करें कि ये कर्म जो हम करने जा रहे हैं, इससे हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे ना, कहीं इससे हमारे भगवान को कष्ट तो नहीं होगा, हमारे ठाकुर जी इससे नाराज तो नहीं होंगे, कहीं उनको बुरा तो नहीं लगेगा जो मैं करने जा रहा हूँ। इस बात को भगवान और अपने बीच में ही आपस में भाव में विचार करना है। जब ये मन निर्णय ले लेगा, ठाकुर जी को याद कर करके निर्णय लिया जाएगा कि भगवान को, हमारे ठाकुर जी को अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, उनको खराब नहीं लगेगा, क्योंकि कर्म तो सात्विक है जो मैं करने जा रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ भी नहीं है,
इसमें हमारे प्रभु को प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये हमारे जिम्मे का न्यायपूर्ण और सात्विक कर्म है या परोपकार का कर्म है, इससे किसी की हानि नहीं है। ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो कर्म हम करने जा रहे हैं इससे किसी की हानि तो नहीं होगी, किसी को नीचा तो दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी की किसी प्रकार की हानि होती हो तो वो कर्म अच्छा नहीं हो सकता, वो सात्विक नहीं हो सकता है। ये सब विचार करके हमारे ठाकुर जी खुश होंगे, जब ये समझ में आता है तो वो कर्म करिए और अपने को भगवान का सेवक मान करके, और साथ में ये समझना होगा, सोचना होगा कि वो कराने वाले वही हैं, उनको कराना है मुझसे, क्योंकि मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, मुझे यश देना चाहते हैं, अपना मानते हैं, इसलिए करा रहे हैं। नहीं तो मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों उनके हैं और मुझसे अच्छे हैं जिनसे वो कर्म करा सकते थे, किंतु उनकी ये विशेष कृपा है कि अपने इतने सेवक होते हुए भी वो मेरे जैसे नाचीज से कर्म कराना चाहते हैं, इसलिए प्रभु आपकी तो अपार कृपा है, अनंत धन्यवाद आपको है कि जो मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को अपनी सेवा का कर्म आप करने के लिए मौका दिए। ऐसे भाव से कर्म करना है, और कर्म करते समय हर क्षण भगवान की कृपा का दर्शन करना है। प्रत्येक परिस्थिति में कोई समस्या आती तो भी कि समस्या का निदान प्रभु करेंगे, उस समस्या को दूर ठाकुर जी करेंगे, उनकी कृपा को देखना है। और ये समस्या नहीं आ रही है, बड़े सुगमता से कर्म हो रहा है, तो हंसना है इस भाव से कि प्रभु आप ही तो करा रहे हो, नाम बिना बात के मुझको दे रहे हो, करना कराना तो आप ही को, ये अनुभव करना, ये अनुभव भी करते रहना, काम भी करना और अनुभव भी करना, धन्यवाद मन ही मन देना और हमेशा कृपा का दर्शन करना। और कभी मान लीजिए संयोग बस उस काम में असफलता मिल गई तो उसमें अपना कोई आग्रह नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे तो ये करना ही था, ये क्यों नहीं हुआ, ये तो मुझे करना ही था, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही आप सोचोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। तो आपको भगवान की कृपा का, भगवान की इच्छा का दर्शन करना होगा। अरे ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, भगवान को काम इतना ही कराना था, इसके आगे नहीं कराना था, इसलिए ठाकुर जी ने आगे उस मामला को ख़त्म कर दिया, नहीं होने दिया, उस काम को भगवान इतना ही करना चाहते थे, कन्हैया की यही इच्छा थी, हमारे ठाकुर जी की, हमारे राम जी की यही इच्छा थी, इतना ही कराना था। और यदि हम जितना चाहते थे उससे भी अच्छा हुआ काम तो और आनंदित होइए कि अरे प्रभु आपको तो इतना कराना था, हम तो जानते भी नहीं थे कि इतना कारण आप कराने जा रहे हैं, और नहीं हुआ तो उसमें भी भगवान की इच्छा देखना कि ये ठाकुर जी आपकी इच्छा थी, शायद आगे कोई उलझन आ जाती, शायद आगे कोई परेशानी आ जाती, इसलिए आपने इतने पर ही इस चीज़ को समाप्त कर दिया, आगे जो उलझन आने वाली थी वो तो आप जानते हो, मैं तो जानता नहीं। तो भगवान की कृपा का दर्शन करना वो प्री प्लान्ड है, वो उनका पूर्व नियोजित कर्म है ठाकुर जी का, मुझे तो माध्यम बनाए हैं, एक उपकरण बनाए हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, ऐसा अनुभव करते रहना, कभी भी भूल के अहंकार नहीं आने देना, मैं करने वाला हूँ ये बात मन में बिल्कुल नहीं आने देना, और अच्छी तरह समझना कि मैं तो ऐसा गया बीता नाचीज व्यक्ति हूँ कि अपना हाथ भी नहीं उठा सकता हूँ, कर्म करने को कौन कहे, मेरे पास तो जो कुछ धन है भगवान का दिया हुआ है, शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ और बुद्धि की उन्हीं की दी हुई, प्रेरणा उन्हीं की, करवाने वाले वही, शरीर भी वही चला रहे हैं, तो उसमें सफलता भी पूरी की पूरी उन्हीं की इच्छा से है, और विफलता में ये ज़्यादा दुखी मत हो जाओ कि हमसे नहीं हुआ, अरे नहीं उनकी इतनी इच्छा थी इसलिए बढ़िया हुआ,
उनकी इच्छा थी कि ऐसा हो, यहीं पर समाप्त हो जाए, ऐसा ही आखिर में उस उपसंहार हो, इसलिए ऐसा हुआ। आज जिसमें प्रभु को प्रसन्नता है उसमें हमको प्रसन्न रहना चाहिए। अच्छा हुआ तो भी प्रसन्न, बुरा हुआ तो भी प्रसन्न। अब उसको बुरा मत मानो, फिर बुरा हुआ लोगों की दृष्टि में, लेकिन हमको बुरा नहीं मानना। हमको ये मानना है कि वो फेल हो गया प्रोजेक्ट, मान लो वो जो हम करना चाहते थे वो बेकार हो गया, घाटा चाहे जितना हुआ हो, हमारे कन्हैया प्रसन्न है, हमको भगवान की प्रसन्नता यभीष्ट है, हमारे ठाकुर जी को जो अच्छा लगे वही अच्छा है। ऐसी बात को मन में पक्का करो, क्योंकि करने कराने वाले वही, ये बात जब तक तुम्हारे दिल दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक उसके विषाद और साद से मुक्त नहीं हो पाओगे और सच्चाई का ज्ञान भी नहीं होगा। तो सच्चाई यही है कि ठाकुर जी अपने भक्त को यश देते हैं, करते कराते वही हैं। तो भक्त बने बिना कर्म करना तो उचित भी नहीं है। अब थोड़ी सी बात मैं याद कराना चाहता हूँ कि जैसे ये यूट्यूब में सत्संग लोगों को मिल रहा है, लाखों लोगों को, लगभग 3 लाख लोग जुड़ चुके हैं और 3,000 से ऊपर शायद वो सब्सक्राइब कर चुके हैं लोग, और बिना सब्सक्राइब किए हुए भी लोग सुनते हैं, उनकी संख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। तो अब ये सब कैसे हुआ? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि यूट्यूब में सत्संग भेजूँगा सब लोग सुनेंगे। अब ठाकुर जी की इच्छा वाली बात में यद्यपि गुप्त जैसी समझो, लेकिन मैं इस प्रसंग में कह रहा हूँ कि मुझे दामोदर ने जब ला करके स्मार्टफोन दिया ये, मैंने सोचा ये मेरे लिए तो यूजलेस है, मैं क्या करूँ, को बेकार की चीज ला के दे दिया। लेकिन मैंने उसमें भगवान के भक्त, पहले भगवान के चित्र डाले, फिर प्रोफाइल में संतों का चित्र डालना शुरू किया, संतों का चित्र मैं डालता था प्रोफाइल में और लगभग रोजाना बदल देता था। तो अखिलेश ने मुझसे पूछना शुरू किया कि महाराज जी ये कौन से संत का चित्र है, ये कौन संत है, इनका नाम क्या है, कहाँ के हैं, क्या मतलब, तो एक हल्का सा परिचय तो हम एक दो लाइन में बता देते थे। तो लगभग एक महीने तक ऐसा क्रम चला होगा। फिर उन्होंने शशि को बताया कि गुरुजी रोजाना एक नए संत का चित्र प्रोफाइल में डालते हैं और हम उनका परिचय पूछते हैं, तुम भी सुन लिया करो। तो शशि ने मुझसे पूछा तो मैंने भी 2-3 वाक्य में उसको बता दिया। तो शशि के मुंह से निकला कि महाराज जी जो आप बोल रहे हैं इसको आप रिकॉर्ड कर दीजिए इसमें, जिससे और भी कोई सुन सके। इस तरह से संतों का चरित्र प्रारंभ हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि आगे चलकर इतना विस्तार होगा। अब संतों का चरित्र 2-3 वाक्य में बताना शुरू हुआ। फिर जब उसको उसने शशि ने एक ग्रुप बना लिया कि बहुत से लोग सुनने लगे, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा विस्तार में परिचय बताया जाए। विस्तार में परिचय बताना शुरू हुआ। फिर बिठूर के बिहारी जो राम लखन शुक्ल के पुत्र हैं, उन्होंने एक बड़ा बृहद ग्रुप बनाया भक्ति आश्रम का, उसमें तो अब 100 से भी ज़्यादा, 105 शायद हैं। तो वो लोग उससे जुड़े और वो सत्संग रोजाना संतों की चरित्र का जाने लगा। फिर उनसे और भी बहुत सारे ग्रुप जुड़ गए। अब मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि संतों का चरित्र पूरी दुनिया में भक्तों को सुनने को इस तरह से मिलेगा। फिर इसके बाद प्रखर ने, अब मैं इसको पूरा का पूरा भगवान के इच्छा मानता हूँ, ठाकुर जी की इच्छा से हुआ है, मैं पूरा का पूरा ये मानता हूँ कि भगवान को कराना था, इन लोगों को माध्यम बनाया जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। प्रखर ने यूट्यूब में डालना शुरू किया। अब संतों का चरित्र, फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्संग, भगवान की कथा। अब मैंने तो कभी संकल्प न मन में आया था न सोचा था, भगवान की इच्छा थी, मैं इसको 100% स्वीकार करता हूँ और इन लोगों को माध्यम बनाया और मेरे जैसे व्यक्ति को भी माध्यम बना दिया, ठाकुर जी की इच्छा थी। तो अब ये लाखों लोग ये सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बड़ी शांति मिल रही, भक्ति का लाभ सबको मिल रहा है। एक उदाहरण मैंने दिया
तो ये ठाकुर जी की इच्छा थी, इसलिए माध्यम बना के लोगों को ये कार्य प्रभु ने किया। अब प्रखर को बाद में माध्यम बनाकर भगवान ने यूट्यूब में इतना विस्तृत पहुंचाया कि सब जगह लोग सुन रहे हैं, पता नहीं कितने कंट्री में लोग सुन रहे हैं, पूरे विश्व में, और लोगों के संदेश आते रहते हैं। तो भक्ति का आनंद भगवान को देना था, भगवान को भक्ति का आनंद देना था, तो ये एक बानक बना दिया। तो ठाकुर जी का विधान है ऐसा समझो, और उसमें मुझे एक उपकरण बनाया गया ऐसा मानो, उत्साह के साथ प्रेम के साथ उनका भक्त अपने को मान के लगे रहो, और परिणाम की चिंता किए बिना, सफलता असफलता सब भगवान की इच्छा है ऐसा मान करके करोगे, तो कोई बंधन नहीं लगेगा संसार का, और कल्याण ही होगा, अंत में भगवान प्रसन्न होकर के अपना लेंगे, और कर्मों का बंधन जो है उनसे हम मुक्त रहेंगे। श्री राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।